देखिए मैं यही कहता हूँ, पाकिस्तान से हमारी तुलना ना करें, हम लोग उस उतना हम लोग नहीं सपना देखते भैया। हमारा तो बस ये कि अमेरिका चाइना से थोड़ा बहुत जो है कि आगे निकल जाए बस, और क्या। पाकिस्तान की बराबरी हम लोग नहीं कर सकते, कतई नहीं। हम जब भारत से आजाद हुए तो हमारा तो जो जीडीपी था, कई साल तक भारत से आजाद था, भारत से अच्छा था। हमारी पीआईए कितनी अच्छी थी, हमने दुबई को पीआईए करवाया था, ये बात बिल्कुल सही है। पर और वो हमने ये, जर्मनी को भी लोन दिया था। हाँ बात ये सही है, मगर वो ये बताना भूल जाते हैं कि जब आप जिस घर से टूटे थे वो घर रिच था, आपको उस घर के रिच पार्ट को मिला, आपने आपको आपने उसको इनहेरिट किया था, आपने कुछ क्रिएट नहीं किया था, वो भारत था जो आपने इनहेरिट किया था। आपकी टी शर्ट पे ये क्या यूपीआई कोड है? हम देखते हाँ हैं। ओ ओ तो क्या खैर, कहना चाहते हैं? वो बच्चा ठीक कर रहा है, वो जी की डेफिनेशन बता दे। मेरे ख्याल से गरीब गुमराह, ठीक है ना, ऐसे देशों की जो मीटिंग होनी चाहिए थी, वो ये ठीक कह रहा था बच्चा कि वो पाकिस्तान में होनी चाहिए थी। चलो Assalamualaikum viewers, this is me your host Nimra and you are watching my YouTube channel. और इस वक्त हमारे साथ बहुत ही फेमस पर्सनालिटी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने ज्वाइन किया है। बहुत जबरदस्त नॉलेज होता है, आप सब जानते हैं, आप सबको इंतजार भी रहता है। और सर, आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है, आपसे जब भी इंटरव्यू लिया जाता है तो नीचे बहुत तारीफ होती है आपकी कि अभिषेक मिश्रा जी का नॉलेज बहुत ज्यादा है और हमेशा ही हमारे व्यूअर्स को आपसे सीखने के लिए मिलता है। तो थैंक यू सो मच अभिषेक जी टाइम निकालने के लिए। थैंक यू निमरा जी, नमस्ते। आपने नमस्ते नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वनकम, गुड इवनिंग, बोनसोरे, गुड नाबेंड इन जर्मन मींस गुड इवनिंग, बोनसोरे इन फ्रेंच मींस गुड इवनिंग इन इंग्लिश मींस गुड इवनिंग, नमस्ते आल्सो मींस गुड इवनिंग। दीज आर द ह्यूमन ग्रीटिंग्स, राइट, एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वली ब्यूटीफुल एंड वैल्यूएबल, वैल्यूएबल, ऑलराइट। So let's start. What's the topic today? What do you want to talk? थैंक यू सो मच अभिषेक जी। और बात करेंगे, रिसेंटली ही G20 की मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही है और उसके बाद पूरी दुनिया कंग्रेचुलेट कर रही है भारत को, प्राइम मिनिस्टर मोदी के गुण गा रही है। वहां पर खबर आ रही है कि भाई पाकिस्तानियों ने भी अब भारत की तारीफ कर डाली है, बोला है कि ये प्राउड मोमेंट है भारत के लिए और भारत ने बहुत अच्छे तरीके से G20 को निभाया है। और इसके बाद जो पूरी दुनिया में भारत की इमेज बन गई है वो काबिले तारीफ, और पाकिस्तानियों को भी जरूर इससे कुछ सीखना चाहिए। तो पाकिस्तान के लोग प्रेज करना शुरू हो गए हैं भारत को, तरक्की देख रहे हैं उनकी। और दूसरी बात ये कि पहली दफा एक भारतीय एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में भी जाने वाला है। तो जो हमें खबरें मिल रही हैं, पाकिस्तान से भी तारीफ हो रही है, इसके पीछे की आपको क्या वजह लगती है? पाकिस्तान से तारीफ हो रही तो डर लग रहा है, बाकी दुनिया तारीफ करती है तो ऑब्वियस है। दुनिया को, मैंने आपसे, मैं ये बात हर बार कहूंगा जब भी मेरी बात शुरू होगी, 700 साल तक ये दुनिया ने अच्छा हमें कहा हम गलत हैं, 700 साल तक, ठीक है, और आज सब गलत साबित हो गए। कभी कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी दी, इंडिया खत्म हो जाएगा, ब्रिटिश कल्चर आएगा, यूरोपियन वैल्यूज हो गए, आए गए कार्ल मार्क्स जैसे, कितने आए गए और चले गए। कुछ लोगों ने इंटेलेक्चुअल अटैक किया, कुछ लोगों ने तलवार लेकर के आए कि इंडिया को खत्म कर देंगे, आए गए चले गए। आज सबने सब कोशिश की कि इंडिया को खत्म किया जाए, इस एंशियंट सिविलाइजेशन को, इस कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन को खत्म किया जाए, वो नहीं कर पाए। आज भारत आपके सामने है, सबने घुटने टेक दिए, सबने घुटने टेक दिए, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमको सिखाया था सर्वे संतु सुखिना, सब सुखी करो, सबका भला हो, विश्व का कल्याण हो, इसलिए हम बच गए। हम इकलौते हैं पूरी दुनिया में, और मैं ताल ठोक के चुनौती के साथ कहता हूं, आप किसी भी स्कॉलर को बुला दीजिए, मेरे साथ डिबेट करवा लीजिए, मैं उस डिबेट के लिए तैयार हूं। और भारत ने भारतीयों के लिए नहीं लिखा, भारत ने मानवता के लिए लिखा। इसलिए आज जब आप ह्यूमन राइट सेंट्रिक वर्ल्ड में हैं तो हमारे लिए तो गेम बहुत आसान है, क्योंकि इस खेल की शुरुआत हमने की थी। दुनिया जितना भी झूठ बोल ले, कि देखिए हर समाज में खराब लोग होते हैं, पर वो हमारा नॉर्म नहीं था, वो हमारा बिहेवियर नहीं था। कोई अगर डाकू हिंदुस्तान में पैदा हो रहा है तो वो हमारी थ्योरी नहीं है डकैती की, वो उस आदमी की करतूत है।
तो जब हम एक थ्योरी देते हैं और इंसानों को एक दिमाग देने की कोशिश करते हैं कि तुम ऐसा सोचो, उसमें से कुछ लोग उस थ्योरी से नहीं प्रभावित हुए, वो दूसरी तरफ चले गए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि थ्योरी गलत है क्योंकि एक दो लोग थ्योरी से डेविएंट हो गए। सो हमने शुरुआत की थी, आज दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी ग्रीस नहीं है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन दुनिया को देने वाला यूरोप नहीं है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दुनिया को देने वाला हम है। एकम सत बहुधा विप्राह वदन्ति सर्वलोकानाः सुवस्तु, सबका भला हो करने वाले हम हैं। इसलिए G20 असफल हो जाता, क्योंकि अमेरिका खड़ा था यूं कि रशिया का नाम डालो, और रशिया खड़ा था यूं हमारा नाम मत डालो। और बाइडेन ने, राष्ट्रपति बाइडेन ने, आपको शायद नहीं पता, मैं आपको एक और बात बता दूं, राष्ट्रपति बाइडेन ने इसमें बहुत प्रमुख भूमिका निभाई, जो भारत ने ये G20 का एक दिल्ली डिक्लेरेशन आ गया, वरना ये ऑलमोस्ट था कि अब नहीं आएगा, और वो एक दिन पहले ही आ गया। राष्ट्रपति बाइडेन ने जब G20 में ये मीटिंग की, उसके पहले उन्होंने दिल्ली के कैथोलिक बिशप को फोन किया कि मुझे मास चाहिए। मास मतलब जो जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो अपना एक पूजा सेरेमनी होती है जिसमें उनका जो प्रीस्ट आता है वो उनको सरमन सुनाता है। प्राइवेट मास करवाया हमारे यहाँ बाइडेन साहब ने, और जो भी ईश्वर को मानते हैं वो ईश्वर में उनका भरोसा है। एक और एक बहुत स्टॉन्च कैथोलिक हैं बाइडेन साहब, स्टॉन्च कैथोलिक, लेकिन मोदी को सफल बनाने के लिए उन्होंने कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा। G7 के मुल्क, क्योंकि यूक्रेन को लेके यूरोप में सेंसिटिविटी थी, यूरोप नहीं चाहता था कि बाली डिक्लेरेशन में, जिसमें कि नाम आ चुका था रशिया को, कंडेम्ड किया जा चुका था, कि हम उससे पीछे हटें, लेकिन इंडिया ने अपनी दोस्ती का देखिए साथ निभाया। इसे कहते हैं दोस्ती, ये नहीं कि जरूरत पड़ी और पीछे उड़ गया तो आज भारत देखिए अरे मेरा तो ये है, हमको तो ये F-16 देने वाले हैं, F-18 का पूरा यहाँ पे, आपको शायद नहीं पता होगा लेकिन अगर पता होगा तो भी अच्छा है, लॉकहीड मार्टिन के लिए हम पूरा का पूरा यूनिटी ले आते हैं, यहीं पर रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, भारत को ही नहीं बेचेंगे, सिर्फ आसपास के ये जो एशिया अफ्रीका के जो मार्केट है उसको भी हम आपको मेक इन इंडिया वाला ही F-18 या जो भी उनका लेटेस्ट है लॉकहीड मार्टिन का, वो हम फाइटर जेट बेचेंगे। आप समझ रही हैं मेरी बात? तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये कि भारत लालच में नहीं आया, अपने दोस्त का साथ निभाया, इसे कहते हैं। इसीलिए अमेरिका ने कहा कि ये है दोस्त, जब आप अपने मूल्यों के लिए खड़ा, और ये मूल्य ऐसे नहीं आते हैं, ये मूल्य एक दिन में नहीं आए, ये मूल्य भारत की उस पुरातत्व या पुरातन जो हमारे संस्कार है ये उसका मूल्य का द्योतक था कि हमने कहा कि हम अपने मित्र के पीठ में छुरा नहीं मारेंगे, भले मित्र गलत हो। आपको शायद नहीं पता, जब चाणक्य गया था पाटलिपुत्र में, तो पाटलिपुत्र का जो वो था जो मुद्रा राक्षस कहते हैं उसको, वो जो था मुद्रा राक्षस ने ये कहा चाणक्य ने कि तुम पाटलिपुत्र के इस खराब राजा के साथ क्यों हो धनंद, जो कि अलेक्जेंडर, जो कि ग्रीस से, देखिए भारतीयों को तब भी एहसास था इंडियन टेरिटरी का, और बाय द वे तक्षशिला आप ही के यहाँ पे है, आज की डेट में हमारे पास नहीं है। तक्षशिला से उठ करके आया चाणक्य पाटलिपुत्र पटना में, पटना का नाम पाटलिपुत्र था पहले, आपके यहाँ तक्षशिला से वो आदमी पैदल आता है और वो कहता है धनंद से कि यमन का जो, यानी ग्रीस से जो है वो अलेक्जेंडर चल चुका है और वो भारत की सीमाओं पर आक्रमण करेगा और तुम इस समय भारत के सबसे बड़े राजा हो। तो जो लोग ये कहते हैं कि भारत में छोटे छोटे राजा थे और एक मुल्क नहीं था, ये उनकी बेवकूफी है, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से ऑटोनॉमी थी। उसने कहा तुम सबसे बड़े राजा हो, सबको इकट्ठा करो और बाहर से आए विदेशी मलच्छ का तुम सामना करो। तो उस आचार्य विष्णुगुप्त यानी चाणक्य को लात मार के निकाला उसने, धनानंद ने, उसने कहा तुम निकलो यहां से, तुम मुझे सिखाने आए हो कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। तो उस समय जब आचार्य चाणक्य वहां से निकले तो वहां का जो सेनापति था मुद्रा राक्षस कहते हैं उसको, तो उनसे उन्होंने चाणक्य ने पूछा ये क्या है, तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि महाराज मैं जानता हूं कि
नहीं, उसने कहा आचार्य मैं जानता हूं कि महाराज गलत कर रहे हैं, मगर मेरी लॉयल्टी महाराज के प्रति नहीं है, बल्कि पाटलिपुत्र के उस सिंहासन के प्रति, और जो भी उस पे बैठेगा और उसके दिए गए वचन को मैं सर कटा के भी पालन करूंगा। ये है हमारी पुरातन या हमारी सभ्यता। मुद्रा राक्षस लड़ा गलत साइड से, लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि G20 की सफलता का श्रेय जाता है प्रधानमंत्री मोदी को। और देखिए, एक स्टॉन्च कैथोलिक जिसने स्पेशल प्रेयर ऑर्गेनाइज करवाई प्राइवेट में अपने लिए, जो बाइडेन, राष्ट्रपति जो बाइडेन, एक स्टॉन्च सनातनी मोदी, एक स्टॉन्च फ्री थिंकर इमैनुअल मैक्रॉन, सब एक स्टॉन्च इस्लामिक राष्ट्र के प्रणेता मोहम्मद बिन सलमान, कितनी खूबसूरत दृश्य था। सब एक दूसरे को गले लग रहे थे, कोई वैमनस्यता नहीं थी। आप समझ रही हैं? तो पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, आप कहां हैं। आप मिट्टी के नहीं हो पाए। आपको मैं एक बड़ी मस्त बात बताता हूं निमराजी, आपने अपना कितना नुकसान किया है। कई पाकिस्तान के एनालिस्ट कहते हैं कि हम जब भारत से आजाद हुए तो हमारा तो जो जीडीपी था, कई साल तक भारत से आजाद था, भारत से अच्छा था, हमारी पीआईए कितनी अच्छी थी, हमने दुबई को पीआईए करवाया था। ये बात बिल्कुल सही है, और हमने जर्मनी को भी लोन दिया था। हाँ, बात ये सही है, मगर वो ये बताना भूल जाते हैं कि जब आप जिस घर से टूटे थे वो घर रिच था। आपको उस घर के रिच पार्ट को मिला, आपने उसको इनहेरिट किया था, आपने कुछ क्रिएट नहीं किया था, वो भारत था जो आपने इनहेरिट किया था। उसको आपको चलाने की क्षमता नहीं थी, 20 साल में बर्बाद कर दिया। जो शेख राशिद थे आपके वहां के दुबई के, उस समय दुबई नया नया आ रहा था, वो अपना एयरलाइन बनाना चाहते थे। आपने जो अपना एयरलाइन पीआईए का बनाया था, जो इंडिया से अलग होकर के आपको मिला था, उन्होंने पैसे दे करके आपसे आपकी ही प्लेनें खरीदी और एमिरेट्स बनाया। और आप चूंकि भाई मेरा भाई मेरा भाई, जो भाई उसको तो भाई मानना नहीं है, लेकिन कोई अगर उस हिसाब से अरबी हो जाए तो होय 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 होय। शेख राशिद ने आपके पीआईए को कन्वर्ट करके, क्योंकि कराची उस समय हॉटबेड होता था इस जगह आने का, ट्रेड सेंटर हुआ करता था। जो यूएई आज है वो कराची हुआ करता था, ये नहीं बताते वो लोग आपको। दुनिया आती थी कराची में ट्रेड करने, भारत ट्रेड पॉइंट था सारी दुनिया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों निकली थी ब्रिटेन से इंडिया में ट्रेड करने, डच क्यों आए थे इंडिया में ट्रेड करने, पोर्टुगीज क्यों आए थे इंडिया में ट्रेड करने, वो ट्रेड करने कहां आते थे, कराची, ये इसी सब जो पोर्ट्स पे आते थे ये लोग, आपने वो इनहेरिट किया था। सारी दुनिया के लोग आते थे वहां पे, हवाई जहाज का इतना डिमांड हुआ करता था, लोग आते थे वहां पे, मगर आपने उसको नहीं संभाल पाया। और आप ही के प्लेन और आप ही के उसका इस्तेमाल करते हुए शेख राशिद ने एमिरेट्स एयरलाइंस की स्थापना करी और आज एमिरेट्स राज करता है और आप मार्केट से साफ हो गए। आप समझ रही हैं? क्योंकि आपका अपना कुछ नहीं है, आप दूसरों की ग्लोरी में जीते हो। तो देखें, मैं कहने का ये प्रयास कर रहा हूं कि पाकिस्तान जो है वो भी तारीफ कर रहा है, दुनिया तो तारीफ कर रही, दुनिया चाहती थी कि ये सफल हो, दुनिया चाहती थी ये सफल हो। और इसका सबसे बड़ा सफलता ये है कि जब भारत अमीर बना तो सबसे गरीबों को उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा, अफ्रीकन यूनियन को अपने साथ जोड़ा उन्होंने। और आप उस अफ्रीकन यूनियन के जरा राष्ट्रपति ने जो हक दिया था आकर के मोदी को, द वे ही एम्ब्रेस्ड Prime Minister Modi was something picturesque. It will reverberate in my memory for thousands of years to come. तो ये है भारत, इसको लोग पता नहीं क्या बताने पे तुले हुए हैं। ये है भारत। तो अभिषेक जी, आपने बोला है कि गरीबों का साथ नहीं छोड़ा, पाकिस्तान भी इस वक्त गुर्बत में है, पाकिस्तान के भी हालात ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है कि भारत को पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। खैर, ये सब बातें तो अलग है। आपकी टी शर्ट पे ये क्या यूपीआई कोड है? हम देखते हैं। ओ
तो हाँ तो डिजिटल इंडिया दिखाइएगा जरा कैमरे में। मैंने तो वीडियोस में देखा था कि ठेले वाले के पास यूपीआई कोड है, बर्तनों के नीचे यूपीआई कोड है, ढोल वाले ने ढोल के ऊपर यूपीआई कोड, अभी शर्ट पे तो पहली दफा देखा है। ये सच है यूपीआई, मतलब मैं आपसे निमरा जी सच बता रहा हूँ, मुझे इंडिया में आए हुए 2.5-3 महीने हो गए, मैंने आज तक कैश नहीं निकाला, आज तक कैश नहीं निकाला। और ये मैं मतलब मैं माता जी को बहुत मिस करता हूँ, उनको बात बता कर निकाला ही नहीं, मैं जाता ही नहीं बैंक। इंडिया डिजिटली राइजिंग, बट इंडिया में पेमेंट कैश नहीं होते अब, इट्स ऑल डिजिटल। मेरे अभी कल टी शर्ट पर भी यूपीआई कोड, वाओ। हाँ आप आइए तो इंडिया में, अब कोई आपसे पैसे मांगता है ना तो यार कितने पैसे, 100 रुपए यार वो कैश नहीं लेते हैं, ट्रांसफर कर यार ट्रांसफर कर, इट्स ऑल लाइक दैट, यूं चुटकियों में पैसे इधर उधर। हम आपसे बहुत पीछे, आपके बराबर हम नहीं करते, आपकी टेक्नोलॉजी, आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो ओए होए, हम तो उसके मैं उसके लिए वो नहीं हूँ, आप समझिए मेरी बात, पाकिस्तान से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, आप एक अजीम कौम है। हाँ दूध और शहद हर गली गली में बिक रहा है आपके यहाँ पे मुफ्त में, तो वो शहद खा खा के आप भी थोड़ा सा वेट कम कर लीजिए, पाकिस्तान से हमारी बराबरी नहीं होती, हम पाकिस्तान के, पाकिस्तान आप समझ रही हैं, आप नाम भी कैसे ले सकती हैं पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान जैसे छोटे मुल्क का, ना 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 प्लीज, आप कहाँ हैं, आप टेक्नोलॉजी से बहुत आगे जा चुकी हैं, खत्म होना है आप सब कुछ, आप हम लोग तो छोटे मोटे लोग हैं, आप कहाँ, प्लीज निमरा जी हम लोग को मत उनसे, आप बहुत ऊंचे लोग हैं, लोग छोटे छोटे हैं। तो देखिए मैं यही कहता हूँ पाकिस्तान से हमारी तुलना ना करें, हम लोग उतना हम लोग नहीं सपना देखते भैया, हमारा तो बस ये कि अमेरिका चाइना से थोड़ा बहुत जो है कि आगे निकल जाए बस, और क्या, पाकिस्तान की बराबरी हम लोग नहीं कर सकते कतई नहीं, बिना पड़े सब मालूम है, ये ज्ञान तो हम लोग के पास नहीं है, हम लोग को मेहनत करना पड़ता है, पाकिस्तान एक ऐसी कौम है बिना पड़े सब जानते हो, ये कहाँ मिलेगा कि बिना पढ़े आपको सब पता है, सब आपने दुनिया वर्ल्ड हिस्ट्री में आपकी माहिरात है, टेक्नोलॉजी तो आप बस यूं कल सो के उठेंगे टेक्नोलॉजी आ जाएगी, आपको चाह नहीं रहे आप इंडियन से नहीं, आपको क्या। अपने प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरे पहले सवाल का जवाब आपने दिया कि पाकिस्तानी बोल रहे हैं तो डर लग रहा है, ऐसा क्यों कहा आपने, मतलब हम तो आपका मतलब हम तो आपकी तारीफ कर रहे हैं सच्चे दिल से, तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला कि हमको डर लगता है पाकिस्तानी जब तारीफ करते हैं, तो मैं डर इसलिए गया था कि जैसे ना एक राजा होता है, राजा वो अपने से छोटे लोगों को तारीफ कर देता है तो लोग डर जाते हैं, अरे क्या हो गया महाराज आपके बराबर हम कैसे आ जाएंगे, आप लोग के बराबर आज नहीं पर डर लगता है हमको, जीमो गरीब शहंशाह वो अलग आना आपके लिए ही है ना, प्लीज आप मुगलों के वंशज हैं, मुगल आप सोच रहे यू आर मुगल्स, हम लोग छोटे छोटे निक्के निक्के काले काले होंदे वो वाले हैं हम लोग, आप मुगल हैं आप खान हैं, आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, आप अरबी हैं आप मुगल्स हैं और आप मेरे ख्याल से अमेरिकन भी होंगे या यूरोपियन, हमारा तुलना आप ये चाइना से कर दीजिए या अमेरिका से कर दीजिए, उनसे हम उनको पिछाड़ने के चक्कर में हैं, आप लोग से नहीं भाई, इतना तो हम सोच भी नहीं सकते ना, अपनी लिमिट में रहते हैं, वी कैन ओनली थिंक अबाउट कॉन्करिंग स्पेस बट नॉट पाकिस्तान, आप अजीम कौम है, आप शाहीन कौम है, आप जंबाज कौम है, आप शेर हैं, चलें। अभिषेक जी जहां पर ये खबर आ रही है कि आप लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले, वहां एक और पाकिस्तानी की वीडियो लीक हो रही है और वो ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि ये मीटिंग तो पाकिस्तान में होनी चाहिए थी, G20 की मीटिंग, कि G20 की मीटिंग तो पाकिस्तान में होनी चाहिए थी, गलती से भारत में हो गई है, तो क्या कहता है वो बच्चा, ठीक कर रहा है, वो जी की डेफिनेशन बता दे, मेरे ख्याल से गरीब गुमराह ठीक है ना, गालीबाज, ऐसे देशों की जो मीटिंग होनी चाहिए थी वो, ये ठीक कह रहा था बच्चा कि वो पाकिस्तान में होनी चाहिए थी, और हमारी तो G20 थी, वो तो रिच क्लब था,
दुनिया का 80% वेल्थ और 75% वर्ल्ड पॉपुलेशन था। आप आपकी जो जी है वो गरीब नवाज की जी है। भाई पाकिस्तान क्या है? मलेशिया से उठता है, सऊदीया में जाता है, टर्की पे खत्म हो जाता है। यही दुनिया है पाकिस्तान की। बिल्कुल सही अभिषेक जी, जिस तरह से आपने एक्सप्लेनेशन दी, यकीनन हमारे व्यूअर्स भी समझ गए होंगे कि हमारे टॉपिक को आपने जितने अच्छे से एक्सप्लेन किया, व्यूअर्स को उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। जैसे आपने भारत की तरक्की का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ किया है, वो तो आप हमेशा ही बाखूबी से करते हैं। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, आप तशरीफ लाए, स्पेशली आपने अपना UPI कोड भी अपनी टी शर्ट पे दिखाया। थैंक यू सो मच, और इसी के साथ साथ यही पर प्रोग्राम को एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।